आज कई सालों बाद मैंने अपने कॉलेज की पुरानी फोटो एल्बम देखी, जिसमें अपने दोनों जिगरी दोस्तों की तस्वीर देखकर मुझे फिर से हमारे पुराने दिन याद आ गए, और वो दिन भी जब मैंने उन्हें खोया था। राहुल, विजय और मैं अभिषेक, हम तीनों को नई जगह पर घूमना बहुत पसंद था। राहुल को हाइकिंग और मुझे फोटोग्राफी का शौक था, और विजय को तो कहीं भी ले चलो वो चला आता। एग्जाम खत्म होते ही हमने गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए किसी ऐसी जगह पर जाने का प्लान किया जहां हम पहले कभी न गए हो और जहां ज्यादा भीड़ ना हो। राहुल ने इंटरनेट पर एक जगह ढूंढ निकाली, सरोवर जंगल, जो शहर से काफी दूर था पर हाइकिंग और फोटोग्राफी के लिए ये जगह सही थी। हमने 3 दिन का ट्रिप प्लान किया और बिना उस जगह की पूरी जानकारी लिए निकल पड़े। जब हम उस जगह पहुंचे तो हमने देखा कि वो जंगल बेहद खूबसूरत था और काफी घना भी। हमने पूरी जिंदगी में इतनी साफ और सुंदर जगह नहीं देखी थी। जंगल के अंदर काफी ठंडी थी और वहां पर एक चेतावनी भी लिखी हुई थी, अंदर खतरा है। हमें लगा कि जंगली जानवरों की वजह से लिखा होगा, तो हम उसे अनदेखा करके आगे चले गए। मैंने वहां पर ढेर सारी तस्वीरें खींची, सभी तस्वीरों में पीछे एक काली छवि मुझे बार बार दिखाई देती। ये बात अलग है कि सामने मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। जब हम और अंदर गए तो मेरे कैमरे ने एकदम से काम करना बंद कर दिया। तुमने बैटरी तो नहीं डाली थी ना, या भूल गए? नहीं भूला, घर से निकलते समय नई बैटरीज डाली थी मैंने। हम उस जंगल के और अंदर जाने लगे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें देख रहा है। मैंने आसपास देखा पर वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा। हम जितना जंगल के अंदर जाते उतनी ठंड बढ़ने लगी और अंधेरा भी। इतना ही नहीं, वहां पर हमें एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कई सारे जानवर वहां पर मरे पड़े हो। पर हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि जंगल में जानवरों का मरना कोई नई बात नहीं है। ये क्या, इतनी ठंड? थोड़ी देर पहले तो इतनी ठंड नहीं थी यहाँ पर। मुझे लगता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर चलते हैं। अरे, ये विजय कहाँ गया? अभी तो यही था। पता नहीं, कहीं गलती से भटक तो नहीं गया। हम लोग उसे आवाज देने लगे, विजय, विजय, कहाँ है तू? हम दोनों ने अलग अलग जाकर उसे ढूंढने का सोचा, तो मैं और राहुल अलग हो गए और फिर से उसे पुकारने लगे, विजय भाई, कहाँ है तू? कौन है, कौन है वहां पेड़ के पीछे? बचाओ अभिषेक, बचाओ, बचाओ अभिषेक। राहुल, कहाँ है तू? विजय, किस्मत से मुझे भागते हुए कहीं से मंदिर की घंटी और किसी की पूजा करने की आवाज आई। मैं उस तरफ भागते हुए गया। मैंने देखा कि उस जंगल में एक मंदिर भी है जहां पर एक पुजारी अकेला पूजा कर रहा था। उस पुजारी ने मुझे देख लिया। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें सारी बात बताई और उन्होंने कहा, ये तो होना ही था, ये जंगल श्रापित है। कई सालों पहले इस जंगल में एक औरत जादू टोना करती थी, जंगल में आने वाले इंसानों की बलि देती और यहीं के जानवरों को मारकर खा जाती। एक दिन कुछ लोगों ने
उसे ये सब करते हुए देख लिया और उसे इसी जंगल में जिंदा फांसी दी गई। उस दिन से यहाँ जो भी आता है वो गायब हो जाता, इसलिए हमने इस जंगल के बाहर ही चेतावनी देने वाले फलक लगाए हैं। क्या तुमने नहीं देखा? तब मुझे पता चला कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी सिर्फ उन चेतावनियों को अनदेखा करके। उस पुजारी जी ने बताया कि अब मैं सुरक्षित हूँ, वो चुड़ैल इस मंदिर के आगे नहीं आ सकती। मैंने अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल आया। आज भी मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। आज इस बात को पूरे 40 साल हो चुके हैं। मेरा बेटा अपने काम से दूसरे शहर में रहता है और आज मेरे पोते अखिल का जन्मदिन है, इसलिए मैं उसे फोन करके बधाई दूंगा। कैसे हो? जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दादाजी। आज मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। कहाँ जा रहे हो खास दिन पर? सरोवर जंगल, मेरे दोस्तों ने कहा है कि बहुत अच्छी जगह है। क्या? नहीं, मेरी बात सुनो, वहां मत जाओ। हेलो हेलो दादाजी, हेलो हेलो दादाजी,